एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक छजलैट के लदावली गांव पहुंची। लगभग 8000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान होमवती हैं तो वहीं इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या भी 502 के करीब बताई गई। ग्राम प्रधान ओमवती द्वारा इस गांव में प्राथमिक विद्यालयों को अच्छी स्थिति में रखा गया है। इस गांव में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते भी नजर आए तो गांव को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान ने सड़कों किनारे कूड़ेदान की व्यवस्था भी करवाई है। साथ ही साथ उन्होंने गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी बनवा रखा है जिससे ग्रामीणों को छोटी से छोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ रुख ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में पथ प्रकाशन के लिए सोलर लाइटें भी लगवा रखी हैं। ग्रामीणों की सुविधा के लिए ग्राम प्रधान ने शौचालयों का भी वितरण करवाया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले आवासों को ग्रामीणों को वितरित किया गया है। गांव में बिजली की कमी को दूर करने के लिए ग्राम प्रधान ने लगभग 10 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं तो वहीं 20 बिजली के पोल भी लगवाए हैं। गांव में पानी की आपूर्ति सही करने के लिए गांव में 60 नल लगवाए गए हैं। इसी के साथ गांव में सीसी सड़कें व सीसी रोडों का निर्माण भी करा गया है। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है कि वे विकास कार्य के लिए तुरंत पैसा मुहैया कराएं जिससे वह अपने गांव में बचा हुआ कार्य भी पूरा करा सके। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य बहुत अच्छे स्तर से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधान की तारीफ करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि प्रधान को पैसा मुहैया कराएं जिससे गांव का विकास और भी बेहतर हो सके। मैं प्रधान पुत्र लदावली जी होमवती का बेटा हूं और ब्लॉक छजलैट हमारा जिला मुरादाबाद जी और हमारे यहाँ सीमेंट रास्ते अपने कराए हैं आरसीसी वाले जी और सोलर लाइट लगवाई है, गाँव में डस्टबिन लगाए हैं और आवास दिलाए हैं और शौचालयों का निर्माण भी हो ही रहा है जी। और कुल मिला के हमें जो पैसा मिल रहा है हम उसको लगा रहे हैं लगातार और आप लोग ये देख भी लीजिए। ठीक है, ठीक था। उधर नाला बनवाया वो जरूरी था जी। बिजली दिक्कत है थोड़ा सा, बिजली से हम परेशान है। लेकिन हमारी एक लाइन आ रही है ट्रांसफार्मर पे से वो बार बार टूट जाती है जी। हम लोग जिस हिसाब से भी बोला है, एसडीओ साहब से भी बोला था जी, ये हमारी सबसे ज़्यादा शिकायत है, लाइन टूट जाती है। मैं सुखबीर शर्मा, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय लदावली, हमारा ब्लॉक छजलैट, ग्राम लदावली। यहाँ के प्रधान जी का नाम श्रीमती ओमवती है। उन्होंने हमारे विद्यालय में विकास के कई कार्य कराए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पानी की टंकी का निर्माण कराया है, शौचालयों में व्यवस्था कराई है, उन्हें पेंटिंग कराई गई है, उनकी मरम्मत कराई गई है, जो भी कमी आती है उसे पूरा किया गया है। और उन्होंने विद्यालय में पुताई, बच्चों की छात्र संख्या, मिड डे मील वगैरह जो है, हमारी छात्र संख्या भी सही है और गुणवत्ता के कई काम किए हैं। उनमें थोड़ा रास्ते का ही है कि हमारे यहाँ रास्ता जो है बन जाए आने का, तो उससे बच्चों को आने में सुविधा होगी, क्योंकि बारिश में जो है बच्चे हमारे जल भराव हो जाता है, स्कूल तक पहुँचने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस वजह से अगर ब्रेकर यहाँ लग जाए तो और साथ संख्या।